गुर कहे सो पार सो पार विवेक कर रहे हैं शब्द का और पन्ना है दी लेटेस्ट दी ग्रेटेस्ट पूर्ण ब्रह्म ज्ञान गुरु ग्रंथ जी का पन्ना है 763 763 पन्ना और असी ये प्रिंट करके शब्द हारिक के हथाच दिता है ताकि दर्शन करके पढ़िए और शुद्ध बाणी पढ़िए। ये शब्द महल्ले पंजवें का है
और इहदा हैडिंग लाया महाराज ने गुणवंती। इस पन्ने दे उत्ते पहले दो शब्द होर आउंदे है पर वह गुरु नानक दे शब्द है दोनों। एक दा हैडिंग है कुचज्जी, दूसरा शब्द गुरु नानक दा फिर आउंदा उहदा हैडिंग है सुचज्जी, और तीसरा शब्द फिर महले पंजवें दा तुहाडे हत्थां च है, इहदा हैडिंग गुरु अर्जन पातशाह ने बाबे नानक दी उत्तों दी ज्ञान नहीं कीता पर कहिंदे भी मैं सुचज्जा भी नहीं है, मैं थोड़े जे गुण लैण लगा, इस करके शब्द दा हैडिंग है गुणवंती। तो इहदा हैडिंग महाराज ने गुणवंती लाया। असीं पिछे पिछली बैठक च दस चुके हाँ उन्हां दीआं लाइनां, गुरु नानक दा एडा उच्चा ज्ञान जिहड़ा हद्दां ही टप गया। गुरु नानक दे शब्दां नूं खोलण लई ही महल्लियां नां ते भगतां नां शब्द लिखे ने, ते उन्हां नूं चा नहीं सी भी गुरु दे उत्तों दी ज्ञान करन। गुरु नानक दा एडा वड्डा ज्ञान है जिन्हां बाबत मुसलमान लखारी सत्ता जी ते बलवंडा जी लिखते हैं भी नानक ईसर जगन्नाथ उच हद्दी वैण मिर के आना, एडे डूंगे शब्द उन्हां नूं खोलण लई ही सारी बाणी जहूर च गां है, एडे वड्डे गुरु नानक दे शब्द। पर अज असीं आह शब्द खोल रहे हाँ जिथे असी हाईलाइट की है लाइन वो असी पहला पढ़ी है। ये शब्द का रहाव नहीं है, ये ऐसा गीत है गुरु अर्जन पातशाह की एडिटिंग ऐसी है सारे ग्रंथ की कि उन्होंने ये सारा ग्रंथ बनिया और एडिटिंग की, और ये शब्द उन्होंने ऐसा है जोड़ा दो हिस्सों च है। पहला हिस्सा जो कोई प्रॉब्लम है गुरु महाराज शब्द राही को अपना मन की विरथा दस रहे हैं भी मैनू वह गुर सज्जन मला जिहदे नाल मेरे अंदर ठंड पै जाए, वह है गुर सज्जन देहो मलाए जियो, और उस दे गुर दे रारे नू औंकर है दर्शन करो। उत्थे दूसरी लाइन है इस सफ़े की, महाराज कह रहे ने आखां विरथा जिया की गुर सज्जन देहो मलाए जियो। कि अगे कह रहे वो कह रहे हैं भी जो दीसे गुर से खड़ा तिस निवे निवे लागू पाए जियो। इतों शब्द शुरू करते हैं और शब्द खत्म भी इतने जाके करते हैं, पर उदे थोड़े जा फर्क रख रहा गीत है। जो पहला लिखा जो दीसे गुर से खड़ा तो अगे शब्द च खीरते कहता जो गुर दीसे से खड़ा, इहो असी बाणी दा विवेक करना है भी एडी उच्ची शब्द है सानू की मत दे रहे ने। गुरु अर्जन पातशाह कह रहे हैं भी जिहड़े ने भी उस अकाल पुरख अगे अपना मन खड़ा करता है, सिखड़ा लफ्ज़ नहीं है, जिन्हें अपने गुरु अगे अपना मन खड़ा कर लिया जो तीसरे गुर से खड़ा भी अंदर उहदा मन टिक गया अपने गुरु अकाल पुरख अगे, उन्हें अपना मन खड़ा कर लिया, इहो जिहा बंदा जे मैनूं मिल जाए तो मैं उहदे पैर चुमा तिस निम निम लागू पाए जी। तो ऐसा भी इंसान मैनू मिले, ऐसा गुरसिख ऐसा बंदा मिले जिहड़ा अपना मन खड़ा कर लिया है, जिहड़ा मन खड़ा करना है। इहो ही प्रॉब्लम है सारी भगती की, असीं नाम जपते हैं पर साडा मन खड़ा नहीं हुंदा, साडा मन पारे वांगू थरकदा रहिंदा जिद्दां तली ते पारा हुंदा, हमेशा ही घड़ी दे पेंडुलम वांगू ओसीलेट करदा रहिंदा। साडे मन खड़ा करना ही प्रॉब्लम है सारी भगती की कि साड़ी नाम जपन वेले सानू स्वाद नहीं आता, मन नहीं लगता, शांति नहीं आती, और इहो ही प्रॉब्लम हल की है। महाराज इस पहले हिस्से च प्रॉब्लम दसणगे कि मेरा मन नहीं खड़ा तो मैनू वो सज्जन मला जिस करके मेरा मन खड़ा हो जाए, और वो फिर मैनू ऐसा उपदेश ऐसा गुरमंत्र ऐसी दीखित ऐसा बचन ऐसा कोई जपन वाली चीज़ देगा परमेश्वर का नाम जिहदे नाल मेरा मन खड़ा हो जाएगा। तो लाइन लाई सोई दसे उपदेशना, सोई दसे उपदेशना, मेरा मन आनंद लगा मार जागनी। लाइन लाई है तेरा मन खड़ा हो सकता है पर वो सतगुर अगे की कर तू, असी गौड़ी सुखमनी साहब का पाठ करते हैं प्यार नाल चितो कांदी मन बेचे सतगुर के पास ही सेवक के
ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਜਪਤ ਪਾਵੋ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਤਲਾ, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਹੀ ਗਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਇਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਭਜਨ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਆਮ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਹੈ ਜੋ ਜਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਵਰਮਾ ਗੁਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਰੀ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਈਸਰ ਗੋਰਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਈਸਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰ ਈਸਰ। ਅਸੀਂ ਈਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਈਸਰ ਹੈ। ਈਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਖ ਨਹੀਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ये रेवोल्यूशनरी ज्ञान है सारा। बस समझो गुरु नानक क्यों आया सी दुनिया, क्योंकि सारे इन्हां देवतां दे वस पए सी, दुनिया गोरख दे वस पए सी, सारा हिंदुस्तान जोगियां दी जकड़ दे विच सी। बाबा नानक उठिया कहिंदे साडा कोई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर, बाकी सारी पार्वती माई माया व्यापरी है। इन्हां तिन्हां ते भी माया व्यापरी सी पर गुर दे उपाशक है। गुर की है? गुरु नानक दा गुरु को दस सकदा कौन है? गुरु अंगद साहब दा ते कह देंगे गुरु नानक गुरु सी, अगले पिछले दा इन्हां दा आ गुरु सी, गुरु नानक दा कौन गुरु सी? गुरु नानक दा गुर गुरु सी। उहदा गुरु कौन सी बाबे नानक दा? बाबू सिद्धा ने पूछा, बाबा तू तेरी छोटी जी उम्र और सिद्ध गोश्त विच लिख दे, तू गल्लां बड़ियां सियाणियां करदा, तू कह रहा मेरे गुरु की देह है नहीं। आसे दा नारद मुनि बड़े बड़े गुरु होए, ऋषि मुनियां च सारे, और उन्होंने सब देह च गुरु पूज, तू कहना मेरे गुरु की देह है नहीं? कहते नहीं। कहते फिर तेरे गुरु की देह की है? कहते मेरे शब्द गुरु है। वो कहते तेरा गुरपीर कोई नहीं है बंदा मुरशद? कहते नहीं, गुर गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, गुरु नानक की कलम है। जो गुरु नानक मार्ग सानू दस रहा भी साडा शब्द ही सब कुछ है, और शब्द गुर है। ये साढ़े गुरुमंत्र का छोटे तो छोटा हिस्सा है पोइटरी च बैठा लई। गुर इतों बाद गुरु, उतों बाद वड्डा है वाहिगुरु। तो क्योंकि पोइटरी है ये विच तोल वजन मसीकी एन फिट रखना गीता, इस करके हर हर दे नाल गुर गुर लिख दिता। साडा असी हर नहीं जपना, जे सानू गुर मिलता है जिस वेले खंडे बाटे की पौ देंदे है सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गोडिया पार करता, उन्होंने कहना लै गुरमंत्र लै, उन्होंने फिर कहा बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की, उस गुरमंत्र मिल जाता है सिख को। इस करके साडा पूरा गुरमंत्र वाहिगुरु है जोड़ा साड़ी बाणी चाहता गीत बनाना सी। वाहिगुरु वाहिगुरु इन्नी बारी लिख के गुरमंत्र उजागर करके सिख पट्टा पट्टा दी बाणी च आउंदा है, और गुर भी आउंदा है। गुर की है साडा? इन्ने प्यार नाल सत्कार नाल इस ज्ञान च परमेश्वर दे सारे नामां नूं जपी पाई है, किसे नाल हेट नहीं है। साडा कोई वाहिगुरु वड्डा नहीं है, उन्हां दा ओम नारायण गोबिंद कोई छोटे नहीं है। इस करके परमेश्वर दे जिन्ने नाम है, अल्लाहू है, नारायण है, गोविंद है, क्रिश्चियनिटी यहोवा जपदी है, जिन्ने भी परमेश्वर दे नाम है सारे च इको ही ताकत है, तां नाल आए है। इस करके महाराज ना हर हर दे नाल गुर गुर लिखता, ये गुरु नानक दा गुरु सी। गुर की है? गुर है आप लिख दे, वो सारी दुनिया की तत्व वस्तु है, वो माया तो रहत है, वो ज्योत स्वरूपी है। तत् निरंजन ज्योत सबाई ओही सोहंग मंत्र है, जो बहुत प्यारा साडा ऋषि मुनिया तो सोहंग मंत्र जपदे आ। कहिंदा सोहंग भेद ना कोई जियो, हुण गुरु नानक अपनी कलम तो आप शब्द च दसण लगे मेरा गुरु कौन है। वह है तत् निरंजन ज्योत सबाई सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जो, और आही गुर दे कहण दी कार है। गुर गुर कहे सुकार कमाए, गुर कहे सुकार कमाए। आउंदा सिखां दी बाणी च आउंदा गुरु भी आउंदा है, गुर भी आउंदा है। गुरु गुर शब्द की कमाई करनी है। गुरु सवैये
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਸਾਧ ਬਥੇਰੇ ਡਿੱਠੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਪਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਨ ਸਾਖੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲੰਦੇ ਝੂਠਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮਤ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅੰਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਿਤੇ ਸਵਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਆ ਵਾਹਿ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਜੀਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਪਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਬੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਇਸ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਭੂਤ ਲਗਾਓ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਓ ਸੰਤਰੈਤਾ ਸਤਯੁਗ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਤਤਕਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ
सारी गुरबाणी दे विच। इस करके जिहड़ा असीं गुर शब्द कढ़ी आ रहे हैं वो गुर है गुर शब्द जप रहा वाहगुरु जपी जाना है परमेश्वर का नाम तेन सारे सुख मिल जाने हे मेरे मना और गुरु अर्जन पातशाह रख दे मेरे मन सब सुख पायो मेरे मन सब सुख पायो मेरे मन सब सुख पायो। गुरु अर्जन पातशाह नहीं कह रहे मेरे सुखमणि साहब ना तेन सुख मिलने हैं सुखमणि साहब के पाठ प्यार न करना सी लेकिन सुखमणि साहब जी जो उपदेश मिलता कभी वह भी तो सामना है सानू सुख कि मिलना है सानू सुख मिलना है सुख मणि सुख नाम की गल है कि सुखमणि की है और उड़ा नाम है सारा एडा लम्मा सुखमणि साहब का पाठ एक रहाव के दुआले घूमता है छोटा जहा रहाव है जिहड़ा असीं आ पहले करच गा रहे हैं और रहाव की है रहाव है पहिए का एक्शन व्हील नहीं चल सकता जो एक्शन ना हो शब्द नहीं चल सकता जो रहाव ना हो रहाव एक्शन का काम करता सारा रहाव दे पावर्थ जिनी भी बाणी शब्द कोई आएगा वह पावर्थ रहाव च लुकया होगा तो सारा सुखमणि साहब का पहिया केड़े एक्शन दुआले घूमता है इस दुआले पाठ नहीं लिखे है पाठ असी प्यार न करना ज्ञान लैन लई पर देखो गुरु अर्जुन पातशाह रहाव कित्थे लाउंदे है सुख मणि सुख अमृत नाम का हेडक्वार्टर कित्थे है नाम कित्थे रहिंदा है महाराज कहिंदे है भगत जना कै शब्द कॉन्टैक्ट करता है ठेका लेंदा है तू शब्द जा पे हे मेरे मना की होएगा मेरे मन सब सुख पाया मेरे मन सब सुख पाया कदू हार हार गोर गोर कर हर हर दे नाल अपने गुर कर बैठा ऐसी बाणी दी यूनिवर्सल ज्ञान है कि सारे परमेश्वर दे नाम इको लैवल ते लिखे हर हर दे नाल साडा गुर कर बैठ गया और उस गुर दे दोनों दे रारियां नूं औंकड़ हर हर गुर कोई हर कर ले गुर कर ले गोविंद कह ले अल्लाह हू कह ले क्रिश्चियनिटी यहोवा जप रही है असीं सारियां खोजां अमेरिका च कर रहे हैं और जिहड़ी जपन वाले है वह सारे नाम इको परमेश्वर के लैवल दे है परमेश्वर पहाड़ की चोटी पर बैठा है कोई इधरों चढ़ रहा है कोई इधरों चढ़ रहा है वह है गुर गुर एको वे सनेक और उत्थे भी दोनों के गुरां के रारे नूं औंकड़ जिहड़ा असीं कीर्तन सभा का पाठ करते हैं
गुर गुर एक तरीके लैदा लैदा है, पर गोल सारिया का एक है रब तक पहुंचण दा। कोई इधरों चढ़ रहा, कोई इधरों चढ़ रहा, कोई राह च ही है, कोई हली चढ़न लगा, कई दी चढ़न नाल पेठ है। वह कह दी ये नाम जपना एवं फालतू काम है, उन्हों की पेठ है। वह कहते ये तरीका ठीक नहीं है, पर सारी बाणी च आ तरीका दसिया भाई मेरे मन या होर कर्म कांड ना या सिक्खी दे किसे काम ना नहीं हार हार गोर गोर करे जिन्ना जपेगा तेरे भरम जाणगे। भरम की होएगा? भरम माया नूं क्या है? माया दे तीन नाम वड्डे आउंदे गुरबाणी च, भरम माया ते तीसरा नाम आउंदा है धोखा। ताको धोखा कहां व्यापै जाख कोड़ तुहारी हर बिसर सदा फुहारी। तीन नाम वड्डे दे घर बैठ के सारा ज्ञान असी खोल सकते हैं जे थोड़े जे असी थंब रूल बना लीए, जे थोड़ी जी डेफिनेशन बना लीए भी भरम की चीज़ है। भरम इज इक्वल टू माया इज इक्वल टू धोखा। तीन नाम इहदे वड्डे आउंदे आ, माया ही धोखा है, माया ही भरम है। तो इस करके तेन सारे सुख मिल जाने हैं जो तू हर हर किया तो सब तू की पहला होएगा माया पर आप जाएगी। हार हार गोर गोर कर परम हार हार गोर गोर कर परम मेरे मने सब सुख पाया। सुख से जो पति तवी ते बैठ के गुरु अर्जन पातशाह ने एहो जिहा ज्ञानवान बंदा एहो जिहा गुरु जिन्हें इन्नी बाणी एडिट की इन्ना ज्ञान दिता तत्ती तवी ते रोस्ट कर दिता गया। आ अंत है लेकिन उन्होंने ज्ञान की मजाल आओ, क्योंकि चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी गंडा सिंह स्टोरियों सारी उन्होंने शहादत क्यों हुई सी, उन्होंने चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी जी इसको पकड़ा जाए, ये सारी हमारी ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट है इसका ज्ञान, इसको पकड़ा जाए गिरफ्तार किया जाए। चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी और गंडा सिंह स्टोरियन ने अर्जी दिल्ली के बस्तियों भी जाके कट ली। गुरु महाराज ने तत्ती तवी ते चाड़े गया सी। गौर पारो कहिंदे मैं ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट एक शब्द भी तुसीं कहिंदे कढ़न नूं मैं एक लाइन च भी डीवीएट नहीं होवां। मैं अपनी शब्द की जिहड़ी लाइन है भावें ब्राह्मणवाद दे जिन्नी मर्जी अगेंस्ट होए मैं उहनूं बदल नहीं सकदा। ये अकाल पुरख दा जैसी में आवै खसम की बाणी मैं इनू डीवीएट नहीं कर सकता। जिहड़ा सच्चाई नू डीवीएट कर गया वह इसे करके गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई सी और उन्होंने यासा की सजा मिली सी। यासा की सजा वो सी इन्हों की हदीस के मुतलक जिहड़ा भी बंदे नू जो बंदगी वाला बंदा वह खून ना जमीन पर डिगे कतल ना करो इनू रोस्ट कर दो मुर्गे वांगू। इस करके उन्होंने सजा दिती सी और जहांगीर गांह फिर चले गया। ये जासा की सजा इन्हों की सी। असीं सारी खोज कर रहे हैं भी गुरु अर्जन पातशाह ना कोई वो लटके मुंडे की ब्याह जब भी उन्हें नहीं सी रिश्ता छड़ दिता जी, मोरी की हेठ जुआरे की फलां नूं लाती जी तां फड़े। यह सारी वाह याद कहानी है, ये अपनिया लुकाउण लई सही हिस्टरी है जो महाराज दसते हैं। और महाराज कहते हैं भी मैं तो सारे सुख है, मैंने तत्ती तवी ते बिठाल दे भावें कित बिठा दौ पर कहदे ना सुख मिले। हार हार गोर गोर कर परम महले पंजवें दा शब्द है। हार हार गोर गोर कर परम मेरे मने सब सुख पायो, मेरे मने सब सुख पायो। अगली लाइन में सड़ रहा मैं बढ़ रहा सी अंदरों तृष्णा ना मेरे अंदर अग ही अग भरी सी। मैनू गुरु ना आयस गुर ने उत्थे रारे नूं अंकड़ है अगली लाइन उस गुर ने मेरे ते एक चंदन अर्गी चीज़ ठंडी छिड़क दिती अंदर उसी ना गुर चंदन सीत लायो। मैं जदों जपदा गया अंदरों उस ना उस गुर ना मैनू चंदन अर्गी ठंडी चीज़ देती ते मैं अंदरों एडा मूं ठंडा है मैंने भावे तत्ती तवी ते बिठा दो कितने बिठा दो मेरे ते अंदर इन्नी ठंड है। इस करके गुर चंदन सीत लायो ओ सी
हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, ते बल तो जल तो तौकिया लफ्ज है, तौकिया लफ्ज कट्ठा है, तौकिया है जिदा माशक ही अपनी माशक दे उत्तों पानी छिड़कदा है, उन्हों तौकना कहते हैं भाई, बड़ी गर्मी है जरा मंजे ते भी पानी तौक दो, पिंडी थाई जे ठार दे विच मंजे कहते गर्म हो जाते उन्होंने भी पानी छिड़की दिया भी ठंडे भी रात को नींद नहीं आनी, उन्हों तौकना कहते पानी नूं है। तो महाराज कहते मेरे अकाल पुरख ना मैं अंदरों इन्ना सड़ रहा सी ते की कीता गुर चंदन शीतलायो, कदी ना कदी तेनू नाम जपन चाहनी ठंड मिल जानी है, और फिर तू कहना हर के नाम की गत ठंड आंधी, हर के नाम की गत ठंड, ये बड़ी मुश्किल ना खोजत काटी काटी, हर के नाम की गत ठंड, मेरे मन सब सुख पायो, मेरे मन सब सुख पायो, हर हर गुर गुर करत परम गए, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, बल तो जल तो देन लगा शब्द इस गुर नूं कही चल, गुर लफ्ज है ये मन गुरमंत्र दा छोटा हिस्सा है, तू गुरमंत्र दा जप करी चल, साहब तू पहला असी जो कही शब्दां नाल अनेक असी अमेरिका तू लैके पिछली बारी इंग्लैंड च भी आए सी, सारी दिल्ली और सारियां इन्नियां बैठकां ला चुके हैं भी चुप करके ना बैठ, ये साढ़े जप का पहला डंडा है, एक दूजीबों लख होए लख होए लख वीस लख लख गेड़ा अठ, इस करके नाम नू जीव नाल गुरु अर्जन पातशाह कहना कि मेरे पाठ सुखमनी दा मेरी बाणी दा बिशक तेरी रसना करे ना करे, पर रसना ना जपे नाम तिल तिल कर कटी, आ हुक्म है गुरु अर्जन दा, इस करके रसना नाल नाम जपना एडा जरूरी है, पहला पौडा है, पहला भगती का प्रेमा भगती मार्ग का सुखाला जहा रास्ता सारे गुरुओं ने दसिया भी जीव जरूर हिले मूह ने जरूर बालो, साडा समाधियां लाने वाला तरीका नहीं है, बड़ा सौखा तरीका सानू कलयुग दसिया भी रसना नाल नाम जरूर जापे पहला पौडा, फिर इतों बाद एत राहे पत्ते पौड़ियाँ चढ़िए गांह तो गांह फिर पौड़ियाँ है, पर लेकिन अभ्यास जिहड़ा शुरू करना है रसना नाल नाम जप के कर, फिर डंडा डंडा फर के पौड़ी करे, ऐसे तो कदी नहीं होया भी संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कदी किसी ने थल्यों जंप मार के नहीं अखीरले डंडे नूं हाथ पा लिया, हमेशा पौड़ी चढ़न दा असूल है डंडे डंडे ने पैर रखे चल, इहो ही सहज मार्ग साडा इस बाणी दा है भी रसना नाल जरूर नाम जप, रसना नाल जपे नाम तिल तिल कर कटिए, गुरु अर्जन का प्रतख हुक्म है, इस करके जरा रसना नाल नाम जपना वह साडा सब तू पहला, और वह कह तू बगैर असी रसना महाराज कहते असी कह की पूरी चंकी आ रहे हैं, सब तू पहला नाम का कहना असी मेन हैडे का लाया गल हर नाम की, सारी बाणी की है सारी सिखी की है गल हर नाम की, नानके घर केवल नाम, इस करके पुरातन जिस वेले शब्द है उस वेले सिखी च नाम सी भगती सी, लेकिन अजकल सिखी दे विच नाम की गल है नहीं, इस करके नाम की जिहड़ी गल है उही साडा धुरा है, नानक कह घर है केवल नाम,
कबीर साहब कहते हैं केवल नाम जपो रे प्राणी। इस करके जो नाम जपना है सब तो प्रधान है और सारी बाणी का निचोड़ा नाम जपो या नाम जपन वालों की संगत करो, होर कुछ नहीं है बाणी। इस करके नाम जो जपना एडा जरूरी है, इस करके जो पहला पौडा है वो है नाम का कहना। असी गां शब्द लिया रहे हैं नाम का आखना, नाम का बोलना, नाम का भौंकना, नाम का कूकना, नाम का उच्चारना, नाम का बोलना और नाम का दुहाई पा पा के भी जपना, नाम का भौंकना। सारे शब्द क्यों आ रहे हैं? ऐसा मार्ग है ज्यों ज्यों जपेगा धुन रे के संगत च बैठ के इकट्ठा तेरा मन लगना शुरू हो गया, बड़ा सौखा तरीका है। इस करके जरा कट्ठे होके नाम जपना, संगत का गुण बहुत अधिकाई, संगत एड्डी वड्डी चीज है। गुरु पदवियां सारी उम्र संगत बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि बिन संगती सब ऐसे रहे जैसे पास ढोर। कोई पशु खोली दे बधी हो चार चार पांच मंझा, उन्होंने खोल के मन च जाके किला ठोक के बजे आओ, उत्थे उन्होंने पट्ठे मिलने चाहिए है, उत्थे गाली करना पड़ेगी। गाली करना की हुंदा पशु दा, उहदा जी लग जांदा, लेकिन वह कभी नहीं विछोड़ा सिंह भी मैं इन मझा जो बिछ गई हैं पठे में। असी साडा जीवन पशु मार्गा हो गया कि असी संगत तो बगैर कह दें भी संगत तो बगैर कदा संगत का गुण, संगत का गुण सब तो गुरु पदवियों के आले दुआले संगत ही वाड़ रही है। इस करके उस वेले नाम जपते सी सारे। इस करके जी संगत है बहुत जरूरी है, पर संगत भी कहो जी होनी चाहिए है। शब्द कहते हैं बैठो जो नाम जपते कि करफ्यू लगा है, एडी बाणी की सख्त डिसिप्लिन है। अगली लाइन भी देखी तेन संग संगे जेडे नाम नहीं जपते उन्होंने संगत तो बच के जरा नहीं, क्योंकि दे हैव देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। हर कल्ट हर थान यो पई है कि पहला मैं अपना कुहाड़ा तेज कर ला, ये जरा बंदा है ना इधर साढ़े जथे जाए जाए सारे हर एवरी बॉडी हैज गॉट इज ओन एक्स टू ग्राइंड। इस करके सच्ची वैसे कि नाल है तेन संग संगे ना कीजे नानक जिन हाँ अपना सुहा। एक लाइन कि है यह बिरद पिता गुरु अमरदास साहब की, जिन्हें सब तो ज्यादा संगत बधाई। पहले इन्ने गुरु संगत नहीं बधा सके जिनी इस गुरु ने 63 साल तो शुरू किया और 100 साल तरीके और इन्नी संगत बताती पीढ़ियाँ तो पीढ़े बनाने पे उन्होंने जथेदारनिया तो जथेदार संगत एड्डी वड्डी हो गई सी। वो लिखते लाइन साहब ने उन्होंने संगत की डेफिनेशन क्यों दिती भी जिते नाम ही जपो रहा, क्योंकि गुरु नानक का शब्द है साढ़े को अपनी आप कलम तो लिखते भी सिख संगत कैसी सी क्योंकि सारियां नूं चा चढ़िया रहिंदा सी जिहड़ा गुरमंत्र उन्होंने दीखिया च मिलता, जिहड़ा भी उन्होंने गुरमंत्र जपन लई परमेश्वर का नाम मिलता सारी संगत नूं चा चढ़िया रहिंदा सी उन्हूं जपन का, और सारे कट्ठे होकर जपते हैं। जदों मैं भी पिछे बैठ के जाके तो मैं भी जपन लग पैना गरीबी भावना, गुरु नानक की अपनी कलम लिख रही है और उन्होंने संगत को सिख सभा कह रहे हैं। सिख सभा किदां दी सी? गुरु नानक आप कलम ने अपनी हिस्ट्री उस वेले दसदा कि सिख सभा सिखां दी सभा किदां दी सी, वो नाम जप रहे ने और मैं भी बार बार पिछे बैठ के गरीबी पारना, मैं भी नानक आखने वेरा वेर, मैं भी बार बार मैं भी नाम ना जप, आ है गरीबी गुरु नानक दी। और वो लाइन दे के असी अज दा ये मार्ग दसते हैं भी गुरु नानक वेले की मार्ग सी, वो मार्ग सी सिख सभा। इसे सिख सभा नू सिंह सभा वेले फिर सिंह सभा कर
सिख सभा गुरु नानक का लफ्ज है। असी हिंदू महासभा नहीं, कोई दूसरी नहीं, साड़ी सिख सभा। सिख का मतलब ये नहीं भी असी सिख, सिख का मतलब है स्टूडेंटा की, सीखने वाले की सभा। जिन्हें सीखना है सिख की है, सिख है स्टूडेंट, पहला सारी उम्र ही स्टूडेंट रहे। इस करके सिख असी हैं, जे इस ज्ञान के स्टूडेंट हैं असी, तो सभा की सी सिख सभा। गुरु नानक कहते सिख सभा मैं देखदा इन्ना चा चढ़िया, सिख सभा दीख्या का लफ्ज आएगा सारी बाणी च, पीवो पौल खंडे तार नहीं आएगा। दीख्या है, दीख्या की है, क्रिश्चियनिटी च बैप्टिज्म कहते हैं, मुसलमानों च कलमा पढ़ाना कहते हैं, साडे ब्रह्म ज्ञान च इहदा लफ्ज है दीख्या। दीख्या की है, जो शब्द हजारे दे तुसी पाठ करदे हो गुरु नानक का, और जो शब्द आउंदा कवन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा कवन गुरु कह पै दीख्या, दीख्या ही हुई है पौल लेनी, किसी गुरु की सिख बनना, रस्म पूरी करनी है। इस करके दीख्या गुरमंत्र लेना, दीख्या बचन गुरमंत्र उपदेश कई नाम आउणगे, पर पीवो पौल खंडे तार हली आई नहीं सी। नौ पातशाहियां कन्न च दीख्या दे दिंदियां सी, गुरु नानक ने गुरु अंगद नूं कन्न च दीख्या दित्ती, तदे गुरु अंगद दे सिर्फ श्लोक मिलते, उन्हां दी होर कोई बाणी नहीं मिलती। वो थोड़ी बाणी लिख सके क्योंकि गुरु नानक का पहला सिख सी और उन्होंने पोथी सामने दस। कहते बच्चा लै फिर तू पोथी लै रहा, तू ही हकदार है। उन्होंने इन्ना ज्ञान नहीं लिखा, कोई छंद नहीं लिखे, बार नहीं लिखी, शब्द नहीं लिखी, सारी उम्र उस बच्चे ना पाशा जो बाबा कहने हूँ उन्होंने, वो बाबे लहना जी ना गुरु अंगद गुरु नानक के ज्ञान पोथी सामी और खीर च पोथी का ही हकदार। वो अपने सलोक लेने भी मेरे कान च गुरु नानक ने मंत्र दिता सी, और दीखिया आख बुझाया सिफती सच्चे समयो तिन को क्या उपदेसिए जिन गुर नानक दियो, जिन्हें उठे भी गुरदे रारे नूं औंकड़ है। इस करके जिन्हें एड्डी वड्डी दीख्या मिल जाए, वो मेरा वो मैं उहदे कोल दीख्या नूं होर दीख्या लैण दी लोड़ नहीं है। इसे करके असीं गुरु घर दा असल एम नहीं समझदे, दसम पातशाह ना इह सिर्फ थोड़ी जी रीत बदली सी, कन्न देण दी बजाए और कला दे कला ना दीख्या दे और पंजा ने हवाले कर दी। क्यों बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर हूँ गुरु गोबिंद सिंह साहब की वडियाई सारे हिंदुस्तान च, मैं दुनिया फिर रहा सारी, वो करते हैं भी ये पहला एक इंसान ऐसा आया है गुरु जिन्हें रिलीजन च डेमोक्रेसी लिया, नहीं तो रिलीजन च कला ही संत, कला ही गुरु, कला ही प्रधान सारा। वो कहते डिक्टेटरशिप नहीं मैं रहन दे, दसम पातशाह जी दूर हूँ सी देखो, वो कहते ये पहला जिन्होंने रिलीजस रिलीजन चाहे तो कभी किसी ने डेमोक्रेसी नहीं सी लिया, इन्होंने पंजा के हवाले कर दी। इस करके सारी दुनिया ने इन युग पुरश कहना शुरू कर दिता। नौ जोतों तो बहुत व्डिया सी, पर गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब नानक जोत नहीं सी, किसी होर मैनूफेस्टो लिए आए थे। इस करके उन्होंने वो काम किया भी दिखिया पंजा के हवाले करती भी अज तू कल तू कला छाध कल तू कला संत कल तू कला गुरु कच्चा बंदा बंदे की गुलामी तू छड़ाता बंदा बंदे की गुलामी तू छड़ाता आदम परस्ती तू परा कर दिता। इस करके की सी गुरु गोबिंद सिंह साहब की वड्याई उन्होंने रिलीजन डेमोक्रेसी लिया, और इस करके जोड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब से उन्होंने ये रीत तोरी भी अज तू कला गुरु नहीं पांच सिख ही दीख्या देंगे और पांच सिख ही नाम दर्शाएंगे, पांच सिख ही दे सकते ने, मैं भी नहीं दे सकता, आप गोडियां पार हो गए ही बेंट डाउन टू नीज सामने आप कहते मैनू भी दे। और दूसरा अड़ा चौड़ा राम छटाकी राम से उन्होंने कहते सारे के ना सिंह रखो बीबिया के ना कौर रखो। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जोड़ा राह चलाया है, इसे करके उन्होंने अजकल के बड़े बड़े लिखारी कहते हैं भी जड़ी जड़ी तलवार का लोहा गुरु नानक ने शब्दों च कड़िया सी वो तलवार गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हाथ फाई। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब एडे तीन डिक्टेटर दुनिया च होए है, मैं तुम लेटेस्ट हिस्टरी तो दस रहा भी तुम सारे इन्होंने मुल्कों च रेंदे हो, असी ये ज्ञान क्यों एडा वड्डा आया और क्यों ये रेवोल्यूशनरी ज्ञान है, क्यों पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। तीन डिक्टेटर दुनिया च आए हिटलर मैसोलिनी और स्टालिन, उन्होंने कन्ना हाथ लवाता कन्ना दुनिया कि मुल्क
डिक्टेटरशिप ना रहने दो तदे अमेरिका दे विच डेमोक्रेसी हो रही, हर एक थान डेमोक्रेसी हो रही है। इस करके क्योंकि कल्ले दा जिहड़ा राज है वो ठीक नहीं है। इहो साडे रिलीजन च गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा भी गुरसिखां अंदर सतगुरु गुरु नानक ने कान ची दिंदा गुरु लैणे ने कहा दिखिया आख बुझाया सिख दी सच्चे सरे ओ तिन को प्यारो देसिया जिन गुरु नानक देओ। तो ओ सी दिखिया दा चा चढ़िया रहिंदा सी ते सिख सभा दिखिया का पाओ गुरु मुख सुन साचा नाम वाहे गुरु 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 सिख सभा शब्द का तोड़ा देन लगे उत्थे कहिंदे मैं देखो कित्थे आण के बैठदा कहिंदे मैं नहीं पिछे बाण के बार बार नाम जपदा सिखां दे नाल ते नानक आखणे मेरा ये पुरानी माझे दी बोली है पुरानी पंजाबी है साडी भई मैं भी बार बार नाम जपदा नानक आखणे मेरा मैं नहीं करी जन ओहो मेरा नचना एहो मेरा कुदना एहो मेरा राग क्योंकि नानक करके नाम इस करके कहते संगत की हो रहा नाम ही जप रहे सी और यो सा नचना है यो कुदना है यो ही साड़ी भगती है। इस करके तिरंगे सभा च उठदा सी उन्हां दे पैरां च आना शब्द बजना शुरू हो जांदा सी। आप ऐ शब्द लिखदे कहिंदे मेरे ये मेरे पैरां च की हो रहा। संगत उठ के जांदे सी नटमादरी चाल च सिख देखदे सी और अपनी कलम नाल शब्द दे रहे हैं वो दे रहे ने पैरी आजा पैरी शब्द बजता सी खब्बे ते सज्जे जिद्दां बारे तुरदे सी इन्ना शब्द गूंजदा सी बारे कहदे है मेरा जीवन की है उस बाजे नाल तबले केड़े दो कुड़े बजदे सी। कहिंदा बाबा नानक कहिंदा मेरा जीवन दे जिहड़े दो पुड़े है मेरा तपले उस बाजे उन्हें शब्द नाल किहड़े बजदे सी उसी सत ते संतोख दा मेरा जी है। महाराज कहिंदे है सत संतोख बजे तोए ताले पैरी बाजा सदा शब्द दिता भी बाकी सारे कमां नूं फल नहीं लगना। जपो जपो ताके तो नाम
महाराज ने गुरु नानक का शब्द है कि एक नाम जाप उन्हों फल लगना है। एक जिमीदार संतरिया का बूटा बुझदा है, पैड़ी च लिया के बड़े पी संतरी चुपिया करूँगा, अपने मुंडे लिया के पैड़ी च गड के उन्हों साल पर दो साल उसकी गोडी करता पानी दिता कि इन्हें संतरी लगन के मैं चूपांगा। कई बार यहोजे बूटे खस्से ही निकले होंगे, उन्होंने संतरी लगे ही ना। वो कहता लिया मुड़िया दाती यदि मैं जड़ा च फेरा इन्नी मैं अभी सेवा कर दे तो फल ही नहीं दिता। इस तरह सिक्खी जे नाम जपने तो बगैर जिन्ना मर्जी भी काम कर लो उन्होंने फल नहीं लगने। जप हो जप हो प्यार ना करना पार्च चीज सुना रहे हैं। सुखनी कह रहे सब ते कूच निर्मल के हो कर जपे जन जपे जन जपे जन सदा सदा खेल रहे जपे जन सदा सदा। असी नाम किदा जपना जिदा गुरु नानक ने जपया, वो अपनी कलम तू लिख दे
साचा सागे साचे नाए साचा सागे साचे नाए साचा साहिब साचे आँखें लंगा देहे सतगुरु जी की देह नहीं है, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, उहदे कोल एक भिख्या मंग रहा गुरु अर्जन पातशाह, और ये साडा अखीर ले ज्ञान उन्हां दी जिंदगी दा निचोड़ है, उन्होंने की मंगिया करते सुन गुरु रामदास साहब नूं दा गुरु कहिंदा हर जियो लाज राखो हरी जन की हर जियो लाज राखो हरी जन की आ की मंग रहे गुरु रामदास साहब हरे हरे जपन जपावो अपना हम मांगी भगते अखीर त्यान की तोड़ा लाता नौवे महली ने शब्दों ने नाम रहो साधु रहो रहे तू गुरुमंत्र का जप क्यों नहीं करता किन नहीं है इतने ये जदों दियां बीड़ां जिहड़ा पहला लड़ीदार सरूप सी वह पहली बारी टुटा जदों फरीदकोट का टीका अंग्रेजा ने आके कराया क्योंकि बहुत सारे उधर उधर लफ्ज लग के ना भावों का अनर्थ होए आ असल सरूप है साडा लड़ीदार सरूप जिदा गुरुआ ने लिखा उहदे च भेद है इत्थे किन नहीं है इत्थे किन जपियो गुरुमंत तू गुरुमंत्र दे जप क्यों नहीं करता ऐसी चीज रहने वाली है असी क्या सारिया बीड़ा चक्कर का भाव लगता नहीं है असी फरीदकोट का टीका खोलिया ना जपियो गुरु भी गुरुमंत्र तो जप क्यों नहीं करता तू उस बीड़ चू मिल गया सानू होर पुरानिया बीड़ा फोरिया उन्हें भी के ना जपियो गुरुमंत के ना है पोठवारी बोली गुरसेवा के ना लभ्य होते बाणी चाहता भी गुरु की सेवा केड़ी चीज़ है जी दुनिया की नहीं मिल सकती गुरसेवा के ना लभ्य होते तो इस तरह है गुरसेवा के ना किन जपियो गुरमंत इतने भाव लगता नहीं है किन जपियो गुरमंत एडा वा परमेश्वर का नाम है गुरु तेग बहादुर साहब कहते तुम जपदा क्यों नहीं नाम रहे संकट मिटे दर्शन दो
ज़्यादा है। भोगते सी वो ज्ञान पांच पौड़ियाँ पढ़न लगे हैं रामकली आनंद दियाँ और असी रामकली राग च ही गावे और कली च रामकली ऐसा ज्ञान है गुरु अमरदास साहब का जिदा बिरद पिता गुरु अमरदास साहब किसी बच्चे अभ्यासी उंगली ला के तुर रहे हो साड़ी मां बोली तो सीधा जहा ज्ञान है योड़ा सतगुरु से मेरे अंदर आ गया और इस रामकली आनंद के दो कुंडे है जिदा कड़ाया रो काढ़ गुड़ बना जरा कड़ाया होंगे दो कुंडे है जिन चक्कर दोवे कुंडिया तो ना फड़ा वो कड़ाया चक्या नहीं जाता इदा रामकली आनंद के दो कुंडे है एक पहली पौड़ी है पौड़िया नहीं है यदिया ये अंक है पौड़िया आसा की वार दियाँ असं प्यार ना कही जाने हैं लेकिन ये ना बाणी बदलती बदल जाएगी पौड़िया नहीं अंक है पौड़िया आसा की वार दियाँ जपजी साहब दियाँ पौड़िया नहीं है वो अंक है पौड़ी आसा की वार भी होंगी इसे थोड़े थोड़े भुलेखे साथियों अपना ज्ञान साझा कर ली ताकि असी शायद जो लफ्ज लिखे उन्होंने बड़ियाई कर सकी तो दो कुंडे है पहला कुंडा है आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया जब मेरे अंदर वो सतगुरु आ गया मैनू आनंद आ गया। दूसरा कुंडा है आनंद सुनो वड भागी हो उत्थे आनंद सुनो नहीं है उत्थे आनंद है आनंद है आनंद शब्द सुनना पैंदा है आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया पहला सतगुरु आएगा ये विचोला है ये फिर पार ब्रह्म नूं मिला देगा एडा डूंगा दो कुंडे है तो असी पहला कुंडा चाहते भी सतगुरु जरा पाते हैं वो पहले च लिख है खीरली असी भी अंक चकेंगे उत्थे आनंद नहीं कहना उत्थे आनंद कहना असी सते गुरु मैं पाया सते गुरु मैं पाया आवास रामकली राग सते गुरु मैं पाया राग दे विचे रामकली जे असी एक कली फड़ी है तो सारा राग इस ते अरजना रामकली आनंद लिखिया और ये आनंदमयी बाणी है बधाइयां दी है अज मौका भी खुशी दा है तो असी अखीर दे उत्ते आण के आनंद साहब चकदे आ हुण असी बसंत राग च आनंद साहब चकांगे आनंद पिया बिन माए दो लावा है कहे कभी कहे नहीं कहना वो है कह शुद्ध बाणी सारे आनंद साहब कभी कहे कही तुरे उत है और सारे ही नानकों के कक्के अंकड़ है सवाए अखीर दे अंक तो सारी जिनी बारी नानक आएगा वह आया कह नानक कक्के अंकड़ है इस करके ये जेड़े भेद है असी गां गां दसांगे पर थोड़ी जी शुद्धता ही कर दिए भी कहे नहीं कहना कह नानक आनंद
ये बुलाना है सदा आनंद का नहीं करते करता तेरे सब है इस दिल में सो पावे सदा सिर्फ सलाते नाम बलम सावे नाम जिनके मान वस्या बाजे सब करे कहे नाम सच्चे सारे जाने और तेरे सच्चा नाम मेरा आधार फिर साथ नाम आधार मेरा जिन मुख सब पुरातन सिंह ने अखीरला पौड़ा लाया अखीरली अनहद वाजे की है आनंद सुनम लट पै करमिया पोआ के नेड़ा के दूर